भगवानपुर में सभी प्रत्याशी जो है अपने जो प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। बसपा के प्रत्याशी सुबोध राकेश भी अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इस वक्त भगवानपुर का दंगल बहुत ही दिलचस्प है। हमारे साथ बसपा के कुछ समर्थक मौजूद हैं जो खुद सुबोध राकेश के साथ और अलग अलग जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपना डोर टू डोर जाकर। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में। क्या नाम है भाई आपका? शमीम भाई, सुबोध राकेश का प्रचार कर रहे हैं आप, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं आप जनता के बीच में जो लेके जा रहे हैं? मुद्दे तो ये है जी, हमें पिछले इलेक्शन में भी भाई सुबोध राकेश के साथ रहे हैं और 5 साल लोगों का एकदम पूरी तरीके से अपने कॉन्टैक्ट से अपने माध्यम से बहुत लोगों का और ममता राकेश जी विधायक रही हैं। मैं अपने खेड़ली गांव की बात बताता हूँ, 2 बार विधायक बना है और बहुत ज्यादा मतलब 100% वोट दिया, लेकिन हमारे गाँव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अब की बार लोगों में विरोध है, खेड़ली गाँव में आप जाकर के देखिए, मुस्लिम समाज का पूरा गांव एक ही जाति के लोग रहते हैं और वहां से 70% लोग समर्थन देते हैं। विकास नहीं किया है, क्या कहेंगे राकेश भाई? विकास तो आप क्षेत्र में देख रहे हैं, विकास तो जीरो है। और रही बात बौखड़ा के जो है कार्यकर्ताओं को बड़ी बड़ी कर रहे हैं, विधायक एक महिला होने के उसमें और फिर भी एक कार्यकर्ता को ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं, उसका लड़का गुंडागर्दी कर रहा, मारने की बात कर रहा। अब ये बौखलाहट है हार की। क्या मंगला विधायक जो है बौखला गई है? बौखला गई है, बौखला गई तो देखा आपने, उसका ऑडियो वायरल हो रहा, उस ऑडियो में जो है गाली दे रही है कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं विधायक, इनका ही आरोप है। आप क्या कहेंगे बाबू भाई? सर, समाज ने मन बना लिया इस बार सुबोध राकेश को विधायक बनाने के लिए और सर समाज का ही काम करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम समाज खास तौर से उनके साथ जुड़ चुका है, मुस्लिम समाज खास तौर से सुबोध राकेश के साथ जुड़ चुका है। रिजवान भाई मौजूद है, क्या कहेंगे रिजवान भाई, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समर्थन भाई सबोध किस तरीके का मिल रहा है, जितना भी हमारे क्षेत्र में समाज जो है गुज्जर त्यागी ब्राह्मण बनिया चैनी जितना भी हिंदू भाई हमारा है वो भी एक तरफा सुबोध भाई के समर्थन में खड़ा हुआ है और मुस्लिम समाज जो है वो भी लगभग काफी सुबोध भाई के समर्थन में खड़ा हुआ है। मुद्दा सिर्फ विकास का, विकास इसमें एक वोट भी किसी गांव में मंदिर आके आज की तारीख में अपना नहीं दिखा सकता, बिल्कुल नज़रअंदाज करा है इसने। और हमारा ये भी कहना है कि सुबोध भाई अगर बहुजन समाज पार्टी में ना जा तो ममता राकेश किसी को हमारे वोट मांगने की, ममता राकेश सुबोध राकेश बसपा ज्वाइन ना करें तो ममता राकेश घर बैठे जीत जाती और वो किसी से वोट भी नहीं मांगती। जोनी प्रधान मौजूद है, जोनी प्रधान से बात करें, क्या कहेंगे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जो लोगों के बीच आप लेके जा रहे हैं? समर्थन पूरे सर समाज का 80% सुबोध राकेश जी को मिल रहा है। मैं दलित समाज से आता हूँ और हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारा SCP का पैसा था आज तक ममता राकेश जी ने एक भी बार SCP के पैसे की आवाज़ नहीं उठाई। हमारे अम्बेडकर पार्क हो या रविदास मंदिर हो या हमारी कच्ची की गलियां हो, कहीं भी एक भी वोट ममता राकेश जी का नहीं लगा। उनका आरोप पहले भी ये था कि आपने सुबोध राकेश को वोट दिया है और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इक्का दुक्का वोट दलित समाज का ममता राकेश के पास जाएगा, नहीं तो पूरा 36,000 में से 99% वोट सुबोध राकेश जी के समर्थन में जा रहा है और सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका 100% वोट सुबोध राकेश जी को मिलने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर पंचायत उनका चेयरमैन रहते हुए सुबोध राकेश की माता जी चेयरमैन है वो कोई विकास नहीं करवा पाई नगर पंचायत में, क्या कहेंगे? मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जितने कार्य उन्होंने 7.5 साल में किए हैं पूरी विधानसभा के अंदर, आप मेरी साथ चलिए, प्रत्येक गली को सुबोध राकेश जी के माध्यम से सहती राकेश जी के माध्यम से पक्का कराया गया है। और मैं सम्मान की बात करता हूँ, अभी 1 महीने पहले ममता राकेश जी के चमचों ने सहती राकेश की जो उनकी सासू माँ है उनकी भी माँ है उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप शासन में दिया है। ये बहुत ही उनके कार्यकर्ताओं की गंदी मानसिकता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब की बार सर्व समाज सुबोध राकेश जी के साथ खड़ा हो गया, हाथी के झंडे के नीचे, लीले झंडे के नीचे, बहन जी के झंडे के नीचे सर्व समाज सुबोध राकेश जी को वोट दे रहा है। उसका परिणाम उन लोगों को 10 मार्च को रोशनाबाद में पता लग जाएगा, 10 मार्च को परिणाम पता चल जाएगा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार नौटियाला, मैं सिकरोड्डा से हूँ जहाँ विधानसभा की सबसे ज्यादा वोट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार सुबोध राकेश का परचम लहराएगा, सुबोध राकेश का परचम लहराएगा। क्या नाम है आपका भाई? आदिल प्रधान, ग्राम सेठी साझा। क्या कहेंगे, किस तरह से सुबोध राकेश को देख रहे हैं इस बार? यहाँ तो पिछले 7 सालों से ममता राकेश ने जो मुस्लिम वोटों का जो भ्रमण किया है उनका इस्तेमाल किया है, खाली उनका कोई विकास की तो कोई बात नहीं, मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी बात है यहाँ।
बाकी अब की बार सुबोध राकेश सर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और इस हाथी के झंडे के नीचे सुबोध राकेश 100% विधानसभा में पहुंचे। सुबोध राकेश हाथी के झंडे के नीचे 100% इनका कहना है कि विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि भगवानपुर का विधायक कौन होगा। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, भगवानपुर।